मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज क्लास के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबर पर। दरभंगा शहर की वार्ड नंबर 8, 9 एवं 23 बाढ़ से प्रभावित था, जहां 10 दिनों से बाढ़ का पानी से लोग भूखे मरने की स्थिति में आ पहुंचे थे। फिर भी इन बाढ़ पीड़ितों को ना कोई बाढ़ राहत सामग्री दी गई और ना ही उसे कोई सहायता राशि। इन्हीं सब बातों को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने मंगलवार को दरभंगा नगर निगम में एक धरना प्रदर्शन किया। वही धरना प्रदर्शन करते हुए बाढ़ पीड़ितों ने नगर आयुक्त से तत्काल सूखा राहत सामग्री, सामूहिक भोजन, बाढ़ पीड़ित को पॉलिथीन नगद राशि सहित साफ सफाई की मांग किया। बताते चले कि इस मामले में नगर आयुक्त का कहना था कि जो भी बाढ़ पीड़ित यहां आए हुए हैं उनके मामले को देख रहे हैं और उनका कोई निराकरण नगर निगम से नहीं होना है। इसको लेकर अंचला अधिकारी से बात करनी होगी और उन्होंने कहा कि हम लोग अंचला अधिकारी से बात कर रहे हैं इन बाढ़ पीड़ितों को कैसे इन लोगों को सहायता और किस प्रकार की सहायता दी जा सकती है। इसीलिए हम लोगों का ये मांग है कि दरभंगा नगर निगम को हम लोग क्या सिर्फ धंधा सेठ सब टैक्स देती है क्या? हमारा गरीब मजदूर जो है वार्ड नंबर 8, 9, 23 में जो लगातार बाढ़ में डूबा हुआ है उसको अभी तक ये लोग मुआवजा देने से आनाकानी कर रहे हैं। क्यों क्यों हम नगर निगम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि 10 दिनों से बाढ़ में वहाँ के गरीब मजदूर जनता, डेली कमाने वाला जनता डूबा हुआ है, आज अभी तक इन्होंने उसकी सूची क्यों नहीं बनाई, उसकी जो सुधि क्यों नहीं ली और अभी तक किसी भी प्रकार का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? ना उनको खाने के लिए वो लोग मजदूर लोग तरस रहे हैं। क्या नाम उनको? पानी किसी भी तरह का सुविधा नहीं दिया गया है, ना सूखा राहत दिया गया है, ना पोलोथीन दिया गया है, ना नगद राशि दी गई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं जो अविलंब सूखा राहत, पोलोथीन और सरकार ने जो घोषणा किया है उसके मुताबिक तमाम बाढ़ पीड़ितों को राहत मिले। हम बताना चाहते हैं जो आज बड़े पैमाने पर बाढ़ आने के कारण पशु बीमार पड़ रहे हैं, पशु को चारा नहीं मिल रहा है, कई घर ध्वस्त हो गए हैं, आज खुले आसमान में लोग रह रहे हैं लेकिन उनको आज पोलोथीन नहीं दिया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं जो आज जो तटबंध टूटा है निश्चित तौर से जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जल संसाधन मंत्री दरभंगा आए थे, उन्होंने कहा जो अब जब बांध टूटेगा तब का। बकरीद को लेकर दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कार्यालय में मंगलवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने की। इस शांति समिति की बैठक में SDO, DSP, कई थाना के थाना अध्यक्ष, शांति समिति के सदस्य एवं कई वार्ड पार्षद इस बैठक में मौजूद थे। इस बारे में नगर आयुक्त ने कहा कि 12 अगस्त को बकरीद पर्व होनी है, इसको लेकर यह शांति समिति की बैठक बुलाई गई है जिससे शहर में हो रहे गतिविधियों और बकरीद के दिन किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो सके, इसको लेकर यह बैठक बुलाई गई है और यह पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। उसी क्रम में हम लोग ने हमारे जो पुलिस पदाधिकारी हैं, हमारे अर्जुन साहब जितने वार्ड पार्षद हैं और जो कुरैशी समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ संयुक्त बैठक की है। बैठक का मेन उद्देश्य यह है कि कैसे हम लोग बकरीद को पीसफुली सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसी क्रम में हम लोग ने सत्य के सुझाव अपेक्षित किए और एक रणनीति बनाई कि कैसे हम लोग जो जानवर हैं उनका वध किस जगह से किया जाए जिससे जो सामाजिक सौहार्द है वो बना रहे और कोई भी किसी तरह का कोई न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो, कोई भी अफवाह ना फैले और हम लोग पीसफुली जो त्यौहार है उसको मना सकें और जो भी उसका वेस्ट मटीरियल निकले उसको वहीं पर कहीं पर गड्ढा खोद के और एक जगह चिन्हित करके उसको डिस्पोज किया जा सके जिससे कि वातावरण भी शुद्ध रहे और सामाजिक ताना माना भी बना रहे।
कहा एक्चुअली अभी जैसा कि बताया गया है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए जो नगर क्षेत्र में है उसमें हम लोग रेगुलरली ब्लीचिंग पाउडर डलवा रहे हैं और पानी की निकासी का काम कर रहे हैं और जितने भी हमारे नाले जो जाम हो गए थे उनको भी सफाई के करवाई जा रही है और जो भी उनकी जो मांगे होंगी उनको सुना जाएगा और जो जिस तरह से भी हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं और उनकी जो भी समस्या हल कर सकते हैं उसका सुनिश्चित रूप करें सुनिश्चित तरीके से करें। राहत की बात करें तो दसवीं इन्फोटेक के द्वारा वर्ष 2017 में कई प्रखंडों में कंप्यूटर कोर्स संचालन के लिए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सहित कई लोगों की नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति के क्रम में सिक्योरिटी मनी के रूप में 25,000 रुपए इन लोगों से लिया गया था, लेकिन पूरे बिहार में 700 लोगों को जब इस काम में लगाया गया था तब एक अच्छे मासिक वेतन की बात कही गई थी जो कि इन लोगों को कभी मिल नहीं पाए। इस संबंध में दिसंबर 2018 में इन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने दरभंगा डीएम से मुलाकात की और कई मांग भी की है। गौरतलब है कि तत्क्षण एक मामले को कोतवाली ओपी में दर्ज किया गया है और पुलिस ने 15 जनवरी 2019 तक इस संचालक को समय दिया, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद रश्मि इन्फोटेक के संचालक घर और ऑफिस में ताला बंद कर यहां से चले गए। उसी दौरान कुछ लोगों को चेक भी दिया गया जो बाउंस हो चुके थे और यह चेक कई विभिन्न खातों से काटे गए थे। इसी क्रम में मंगलवार को भी इस संस्था में काम कर रहे कर्मियों ने उनके कार्यालय पर पहुंचे और हंगामा करने लगे और उन्होंने मांग किया कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये हम लोग यहाँ पे मतलब हम लोग का ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए हम लोग को मतलब सिलेक्शन किया गया यहाँ पर और बालक अभिषेक वस्त के द्वारा हम लोग को मतलब ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्टर है अभिषेक वस्त आर एस सी पी एल के लिए जो ये हमको मतलब 4 महीना इसके पास हम लोग काम किए, हम लोग को एक पैसा नहीं दिया गया। उसके बाद जब हम लोग पैसा मांगे इनसे तो हमको एक चेक पकड़ा दिए, जो पहला चेक हमको दिया गया वो 34,000 का चेक दिया गया, तो उसके बाद ये बाउंस कर गया। फिर हमको बोला गया यही चेक आप दोबारा जमा कर दिए, हमने दोबारा जमा कर दिया, फिर बाउंस आ गया। फिर उनके पास हम आए तो उन्होंने 59,000 का चेक दूसरा दिया, दूसरे अकाउंट नंबर से, एक्सिस बैंक का ही, अलग अलग मतलब अकाउंट नंबर है एक्सिस बैंक का ही इनका, तो वो भी मतलब 59,000 का ही बाउंस कर गया उसका मामला। ये घटना 2017 से लगातार चल रहा है, 2017 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, 2018 में लागू भी कर दिया गया, सारे लोगों को नियुक्त कर दिया गया, उसके वर्क पे लगा दिया गया और सारा जितना भी ये था सेंटर था उसको भी चालू करवा दिया गया। उसके बाद से सारा सेंटर जब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था तो जो इसका अब बाकी का प्रक्रिया था वो भी पूरा करना था, लेकिन बीच में पैसे का मामला जब जैसे जैसे आता था तो ये लोग जो है सो बहाने करके उसको टालता चला गया और इस तरह करते करते प्रोजेक्ट का जो है सो एक डेडलाइन आ गया, लगभग साल भर पूरा होने वाला था और किसी को पैसा नहीं मिला। बाद में जो है सो बहुत तरह का मामला उठा, मैक्सिमम का चेक बाउंस होना, कुछ होना, धमकी का सिंपल प्रक्रिया था, ये लोग अपना ओपन नोटिस देते थे, इनकी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद भर्ती का जो प्रोसेस होता था पूरा करते थे, लेटर देते थे, फिर लेटर के बाद सिलेक्शन होता था इंटरव्यू के जरिए और सिलेक्शन होने के बाद उसको जिस एरिया में पोस्ट करना है पोस्ट कर दिया जाता था, फिर उनसे वर्क लिया जाता था और उसके बाद जो है सो जब सैलरी की बात आती तो टाल मटोल होने लगता था। तो आप लोग की कुछ पैसे की भी डिमांड की गई थी नियुक्ति के समय? नियुक्ति के समय बहुत लोगों से पैसे का डिमांड किया गया था जो कि मुझे लगता है सिक्योरिटी मनी के रूप में लिया गया था, लेकिन उसकी कोई भी रिटर्निंग या किसी तरह का रिसिप्ट वगैरह किसी को नहीं दिया गया। मैक्सिमम से 25,000 रुपया लिया गया है। सैलरी कितना बात हुई थी? सैलरी अलग अलग पोस्ट का अलग अलग था, जैसे कि ब्लॉक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का 17,000 कुछ था, उसके बाद डीसी था डिस्ट्रिक्ट। दरभंगा जिले के कई क्षेत्रों में इन दिनों बाढ़ की स्थिति से लोग काफी परेशान हैं, लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इतना ही नहीं, दरभंगा के कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ के पानी की वजह से लोगों का जीवन जीना दुर्भर हो गया है। बता दें कि दरभंगा के धोई घाट के समीप काफी मात्रा में बाढ़ का पानी देखा गया है, सड़क के दोनों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है, लोग इस समस्या से दिन प्रतिदिन जूझ रहे हैं। बताते चले कि दरभंगा के महाराजी नवटोली डगर ग्राम एवं वासुदेवपुर सहित कई स्थानों पर बाढ़ का पानी पूरी तरह से भर चुका है। इस समस्या के संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि वह बाहर से मेहनत मजदूरी कर अपना घर चलाते हैं और अपना व अपने परिवारों का भरण पोषण करते नजर आ रहे हैं। दुखद बात यह है कि इन लोगों को कहीं से भी किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है, जिससे ये लोग काफी मायूस हो रहे हैं। तमाम सब चीज के हो रहा, दाना पानी के उपजे नहीं, बैसाख में गहूम
चल गए माल मामे देखे हद बैठल है महाराजी लपटोली पोस्टी कवरिया जिला दरभंगा देखल नहीं तो नहीं कोई देखे आय कोई नहीं देखे कमाई है तो लबै है तो वह खाई तो क्यों नहीं देखे है? के देखते हम तो सबसे गरीब छी न जाता है की नाम भेल हाँ तो वही तो देख रहे हैं जो पूरा आया है सब डूब गया है हम लोग को क्या कुछ भी नहीं ये गांव है मतलब ये इधर बासदेवपुर हो गया इधर डगरसाम हो गया ठीक है यही सब गांव है दोपली छट्टी आगे दोपली हो गया इधर छट्टी हो गया कोई देखने नहीं है कहाँ कोई बात क्या नाम है हमारा अशोक। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें देखलुई पंचायत के टीकापट्टी गांव की तो इस गांव में भी यही स्थिति बनी हुई है जिसे लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इस गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि यहां के विधायक भोला यादव तथा दरभंगा के डीएम यहां देखने आते हैं लेकिन यहां कई दिनों से बाढ़ का पानी जमा हुआ है लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिल सका। देखिए यहाँ बाढ़ का पानी आया हुआ हो गया लमसम 6 दिन और अभी तक गांव में देखने के लिए नहीं आया है। दूर से आया था हमारे विधायक साहब माननीय भोला यादव जी ठीक है वो कल कहीं और दूसरे गांव में पंचायत के किसी स्तर के ही गांव है वो और 2 दिन से हम लोग पेपर में भी देखे हैं कि हमारे टीकापट्टी देखली पंचायत को बाढ़ राहत की घोषित भी की गई है और जो पानी है अभी ना ही बढ़ रहा है ना ही कम रहा और तो भोला यादव जी की तरफ से मतलब ये मिल रहा है। जी जी भोला यादव जी आए थे उसके तरफ से है या नहीं है सो नहीं कह सकते हमारे डीएम साहब का क्या करते हैं और हमारे भोला जी क्या करते हैं सो नहीं हम लोग पेपर पढ़ते हैं न्यूज़ पढ़ते हैं जो भी अपना ज्ञान प्रति जो लोग हैं उस पट्टी देखली पंचायत की देखली गाँव है ठीक है सर और ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभास कुमार देव है हम एक मानव बल के साथ बिजली मिस्त्री का काम करते हैं कहाँ को जा रहा है देखने के लिए कहाँ पर दसवीं कोई नहीं देखने आ रहा है हम लोग बात से बात मतलब कोई उपाय नहीं लग रहा है क्या नाम हो मेरा नाम आजी। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा कार्यालय पर सभी बीच कैंपस यूनिट को लेकर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री हेमंत मिश्रा ने कहा कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसके माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीमांत छात्रों तक पहुँचने के लक्ष्य को लेकर के स्मार्ट छात्रों को राष्ट्रीय भावना छात्रों में राष्ट्रीय भावना का जागरण करने के उद्देश्य को लेकर के कर रही है और यह कार्यक्रम 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक चलेगा। वहीं परिषद सीमांत छात्रों तक पहुंचने के लक्ष्य को लेकर स्मार्ट छात्रों को राष्ट्रीय भावना छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागरण करने के उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम कर रही है। यह कार्यक्रम 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक चलेगा। यह पूरे भारतवर्ष में सभी का एक ही समय में इस कार्यक्रम का समापन होगा। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। तो दीजिए हमें इजाजत लेकिन हमारे हर खबर को अपडेट करने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर शेयर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल टीवीडीसी रोड लहरिया सराय दरभंगा अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एमके शुक्ला दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास रोज द मेडिसिटी इमरजेंसी शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था संपर्क करें
रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट मिसरटोला, दरभंगा हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव, आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द, संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा।